कितने साल हो गए थे बेटा शादी को? शादी को मेरे 5 साल हो गए थे। और कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से मैंने पहले ट्रीटमेंट लिया काफ़ी जगह, मुझे कभी कहीं सक्सेस नहीं मिली। लोगों ने मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई, इसके बाद मैंने वेट भी लॉस किया कि एटलीस्ट मेरा हो जाए सब ठीक, बट मुझे कंसीव नहीं हुआ। फिर मेरे रिलेटिव थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक बार यहाँ चले जाओ पीटी गुप्ता लक्ष्मण सिंह हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ पर आई और मुझे फिर फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव हो गया। सो फर्स्ट साइकिल में तुझे पीसीओडी था तो तेरा ट्रांसफर नहीं करा, ट्रांसफर हमने फ्रीज करके रखा और फिर सेकंड बैच में मेरा डैड है ना। सो फाइनली मेरे को बिटिया रानी हुई है। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने मेरे को एक माँ बनने का वो दिया है कि चलो, मैं एक टेंशन फ्री दिमाग में वही चलता था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। और कुछ बताओ तेरी जर्नी हमारे साथ। जर्नी तो ठीक है, हम लोग दिल्ली से आते थे, दिल्ली से यहाँ आती थी, सुबह आती थी शाम को जगते थी वहाँ से। मैंने आके मैंने पहले पिकअप कराया, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद फिर मैंने ट्रांसफ़र कराया। ट्रांसफ़र कराने के बाद काफ़ी बेड रेस्ट वगैरह करा, बट मेरे को सब अच्छे से नॉर्मल हो गया। वो मतलब मैडम ने मेरी बहुत हेल्प की है और मुझे बेटी हो गई है। सो तेरे पहले ट्विंस आए थे? हाँ, मेरे पहले ट्विंस आए हुए थे, फिर एक अपने आप ही डिसॉल्व हो गया था। सो आई वॉज वेरी टेंस्ड के शायद मेरा अब सब खराब हो गया है। मैंने निकाल दिया अभी डिलीवरी के टाइम, है ना। कई बार लोग बहुत मिसगाइड कर देते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, उसका ऐसा ही हुआ। मैं पंचमढ़ी गई थी रक्षाबंधन के टाइम, तो उसका MR यहाँ पे, उसका ट्विंस थे तो एक IUD हो गया। तो मेरी स्टाफ ने मेरी बात कराई, वो बहुत पैनिक हुआ था कि एक बच्चा खत्म होगा, दूसरे में हम लोग भी इसीलिए डरे हुए थे। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, तुम अब जो बच्चा है एटलीस्ट उसका ध्यान रखो, मेडिसिन चालू रखो। बट वो कहीं और चला गया, उसने सीजर करा लिया, मेडिसिन वो कहीं और चला गया, उसने सीजर करा लिया एंड फाइनली ही लॉस्ट बोथ द बेबीज। और जो डॉक्टर है उसने भी नहीं समझाया, क्यों नहीं समझाया? मैंने कहीं और उसको लगा अगर मैं समझाऊंगा तो फिर समझाऊंगी तो फिर क्या होगा कि जब मैम आ जाएगी ये मैम के पास चला जाएगा, अभी तो मैम है इसलिए मेरे पास आया। तो उन्होंने भी सीजर कर दिया उसका, और इतना समझाने के बावजूद, मेडिसिन लाइन में होने के बावजूद जितना आपने बोला कभी नहीं सोचा, बस जो बोलते मतलब डिसॉल्व हो गया था, तब हम लोग बहुत टेंशन में हो गए थे। बट आपने तब भी बोला था कि नहीं नहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एक आपका बिल्कुल अच्छा है, स्वस्थ है। और हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी दिल्ली से झांसी आते झांसी आते थे, वहाँ पे भी मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराती। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। हाँ, और भगवान का धन्यवाद कि सब कुछ अच्छा हुआ, बिकॉज कई बार अच्छा करते करते बिटिया सोचते हैं। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि बिटिया लाइफ पलट जाए हमारी, हम लोग बच्चे की तरस गए वो फाइनली हमें मिल गई, इतनी बड़ी खुशी तो कोई है नहीं। आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आल्सो कि तुम लोग ने इतना ट्रस्ट करा वहाँ से यहाँ। बस मेन हमारा यही था कि हमने आप पे ही ट्रस्ट करा, हमने किसी और पे ट्रस्ट करा ही नहीं। एक्चुअली में हमें ये था कि भाई बच्चा हो अच्छे से, बस एक बार ये मैडम मेरा करा दे सारा प्रॉपर। बहुत पैसा लगा आने जाने में, ट्रैवलिंग में बहुत खर्चा हुआ हमारा, बट यहाँ का खर्चा कम है, बट यहाँ का खर्चा कम था डेफिनेटली। वहाँ से तो दिल्ली से तो कम ही था, 30% और दिल्ली की सक्सेस रेटिंग का हमें कुछ कंफर्म नहीं था, इसीलिए बस आपके पास आए। वहाँ तो 20% सक्सेस रेटिंग है, वहाँ तो सीधा बोल देते हैं कि अगर आप, मेरे कोई गारंटी नहीं है, मतलब मैं अपना प्रोसेस करूंगा, इफ यू विल इट्स योर प्रॉब्लम। गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकती, बट मुझे ट्रस्ट यहाँ पे था, टच वुड, यहाँ के रिजल्ट अच्छे हैं, इसलिए मुझे ट्रस्ट था। ट्रस्ट ही हम आए हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं और भगवान की कृपा से रिजल्ट अच्छे हैं, मतलब टच वुड रिजल्ट्स अच्छे। बहुत सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हो जाती है जो मुझे भी विश्वास नहीं होता है। मैं पेशेंट को समझाती भी हूँ कि मत कराओ, तुम्हारा गड़बड़ हो, कहते नहीं एक बार करो एंड हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है बहुत सारे। मुझे थोड़ा सा एक वो है, शायद मुझे ना IVF से पहली बार IVF करा के देखना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि मुझे PCOD की प्रॉब्लम थी, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं था। बिल्कुल बहुत बड़ा इशू नहीं था, यहाँ तक आके IUI करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बस IVF करा। बट बाद में जब पता चला कि PCOD है तो बहुत थोड़ा रियलाइज हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली IUI करा ली। लेकिन कई बार PCOD में क्या होता है, फॉलिकल्स एक दो इंजेक्शन से बन नहीं पाते, और हम ज्यादा इंजेक्शन देके IUI इसलिए नहीं कर सकते कि पता पड़ा अगर हमने 10 इंजेक्शन लगाए तो अच्छी खासी कॉस्ट तो उसी की हो गई, तो फिर कोई सेंस नहीं होता वो करने का, IUI करने का। सिर्फ दूसरा कई बार PCOD में बनते नहीं है,
लेकिन यस ट्राई कर सकते थे, बट दूर का डिस्टेंस में ट्राई करने का कोई सेंस नहीं होता। तीसरी चीज कि अगर हमने तुम्हारी फ्रीजिंग कर दी, लेकिन जब तुम्हारे हम लोग स्टिमुलेट करते हैं पीसीओडी पेशेंट को, उनके ज्यादा फॉलिकल बनते हैं तो फिर आईयूआई कैंसिल हो जाता है। ओके, क्योंकि ज्यादा भी हम कर नहीं सकते ना, बिकॉज ओएचएसएस होगा भाई। आईवीएफ में तो हमने फ्रीज करके रख दिया, आईयूआई में वो वाला प्रोसीजर नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट फ्रीज। मेरे एक बार आईयूआई से क्वाड्रुप्लेट्स आए थे, चार बच्चे आए थे आपके, एक पेशेंट के, नॉट मेरे, एक पेशेंट के, हमारा स्टाफ है अनीश, उसकी रिलेटिव थी, और चार बच्चे आए थे, लेकिन उसका फिर रिडक्शन करा के दो कम करा दिए थे, ट्विंस उसने डिलीवर करे। बट आइडियली जो WHO के गाइडलाइंस हैं, जो अब ARP रूल के जो गाइडलाइंस हैं, अगर दो से ज़्यादा फॉलिकल बन रहे हैं तो हमें IUI करना ही नहीं है, उस साइकिल को ड्रॉप करना है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि तुम्हें सिर्फ PCOD है, और हम लोग जब पिकअप करते हैं तो उससे भी PCOD में फ़र्क पड़ता है, हो सकता है सेकंड प्रेगनेंसी अपने आप आ जाए। खुद ही चाहती हूँ कि मुझे खुद ही आ जाए। हाँ बिल्कुल, हो भी सकता है, बहुत लोगों को होता है, अपने आप ही मैं कंसीव कर लूँ, बिल्कुल होगा, बढ़िया अच्छे से दो नन्हे मुन्ने अच्छे हो जाए, फैमिली कम्प्लीट हो जाए। हाँ मुझे बताइए प्लीज, फादर कुछ बोलिए। बस बोल दिया हमने तो, बहुत खुशी है, काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे बट नहीं हुआ। राइट, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय।